أرضنا باتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق الله العظيم. इरशाद बारी ताला है, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने सात आसमान कैसे ऊपर नीचे बनाए हैं और चांद को इनमें रोशन बनाया है और सूरज को चराग बना दिया है, और अल्लाह ही ने तुमको ज़मीन से एक ख़ास तरह से पैदा किया है, फिर इसी में तुम्हें वो लुटा देगा और इसी से तुमको निकाल खड़ा करेगा, और अल्लाह ही ने ज़मीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया ताकि इसके बड़े बड़े कुशादा रस्तों में चलो फिरो. सच का हर बिज़ुल जलाल ने जो बड़ी अजमत वाला है. व आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. जज़ाक अल्लाह. शुमाली पंजाब रोड नेटवर्क प्रोजेक्ट के आज इस अहम मंसूबे लिल्ला जेलम ड्यूल कैरिज वे इस शाहरा का आज इफ्तिताह किया जा रहा है. वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब मौजूद हैं जो इसका इफ्तिताह करेंगे. इसके अलावा आज की तकरीब में वफाकी वज़ीर इत्तला'आत व नशरियात फवाद चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर असद उमर साहब, सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क्यूम न्याजी साहब, मुंतखब नुमाइंदगान और सबसे बढ़कर जेलम की गयूर आवाम बड़ी तादाद में मौजूद हैं. खुश आमदेद जी आया नू. जनाब वजीर आजम, लिल्ला जेलम रोड दो रोया रोड है, 128 किलोमीटर तवील, 30 माह में इंशाल्लाह मुकम्मल की जाएगी. 16 अरब रुपए इस पर लागत आएगी और ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट है. इससे जीटी रोड का बराह रास्त लिंक हो जाएगा मोटरवे नेटवर्क से. ये जेलम के साथ साथ मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, चकवाल, सरगोदा, खुशाब, यहाँ के रहने वालों के लिए एक तो आसानियाँ पैदा करेगी उनके सफरी सहूलियात के हवाले से, लेकिन सबसे बढ़कर आज़ाद कश्मीर की आवाम को बराह रास्त लिंक देंगी वस्ती और मगरबी पंजाब से. तो इस प्रोजेक्ट जो मेगा प्रोजेक्ट है इसके खदोखाल के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री हमने मुरतब की है. पहले आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. 2018 तब्दीली 2018 तब्दीली का वो साल जब अवाम के वजीर आजम इमरान खान ने नए पाकिस्तान को हकीकत से हमकिनार करने के सफर का आगाज किया. मुल्क के तूलो अर्ज में अवाम की उमंगों के मुताबिक मेगा प्रोजेक्ट्स की दागवेल डाली गई. इन्हीं मेगा प्रोजेक्ट्स में एक शुमाली पंजाब रोड नेटवर्क की तामीर का अजीमुशान मंसूबा भी शामिल था जो तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है. दीना मंगला रोड की दो रोई की खारियां इस्लामाबाद मोटरवे, लिल्ला जेलम डुअल कैरिजवे. अल्हम्दुलिल्लाह, मंगला रोड की तकमील के बाद शुमाली पंजाब रोड नेटवर्क के दूसरे अहम प्रोजेक्ट लिल्ला जेलम डुअल कैरिजवे की तामीर का आगाज किया जा रहा है. 16 अरब रुपए की खतीर लागत से तामीर की जाने वाली 128 किलोमीटर तवील ये अजीमुशान दो रोया शाहरा इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे के लिल्ला इंटरचेंज से शुरू होगी और पेंड दादन खान समेत जलालपुर से होती हुई जेहलम शहर में जीटी रोड पर इख्तिताम पसीर होगी. इस शाहरा की जरूरत का अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि ये निस सदी के बाद पहली बार अपग्रेड हो रही है. इस शाहरा के बनने से अहले इलाका की दहाइयों पर मुश्तमिल महरूमियां तो दूर होंगी ही, साथ ही साथ ये शाहरा जेलम के मुलहिका अजला, चकवाल, खुशाब, सरगोधा, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात समेत आजाद कश्मीर की किस्मत भी बदल देगी. लिल्ला जेलम डुअल कैरिजवे कश्मीर को पहली बार
मोटरवे नेटवर्क से बराह रास्त मुंसलिक करेगी, जिससे कश्मीर के आवाम को फैसलाबाद, मुल्तान और कराची समेत पूरे मुल्क तक तेज तरीन रसाई हासिल हो जाएगी। जेहलम के आवाम के लिए वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का एक और तोहफा जलालपुर कैनाल भी है। सदियों से प्यासी इस धरती को पानी आपके वसीले से मिल रहा है जनाबे वजीर आजम। मैं इसको अपना इलाका कहता हूं, अपने इलाके के लोगों को मुबारक देता हूं कि ये जो नहर बन रही है, ये जेलम, पिंडादम खान, खुशाब, इन सब इलाकों की इंशाल्लाह तकदीर बदल जाएगी। इस नहर से सैराब होने वाली 1,80,000 एकड़ आराजी जब सोना उगलेगी तो ये रोड इसे भी मुतअद्दद मंडियों तक आसान रसाई फराहम करेगी, जिससे इलाके के काश्तकारों की जिंदगी बदल जाएगी। इस शाहरा के अतराफ मुकामी आबादी के इश्तराक से जैतून के दरख्तों की काश्त भी की जाएगी, जिससे इलाके में माहौल दोस्त मुआशी इंकलाब बरपा होगा, जिससे खुर्दनी तेल की कौमी जरूरियात को पूरा करने के साथ साथ कीमती जरे मुबादला भी बचाया जा सकेगा। जिला जेलम अनमोल सियाहती मुकामात से भी मालामाल है, जिनमें टिल्ला जोगियां, नंदना और रोहतास फोर्ट मुनफरिद तारीखी अहमियत के हामिल हैं। लिल्ला जेलम डुअल कैरेजवे की तामीर से इलाके में सियाहती सरगर्मियों को बेपनाह फरोग हासिल होगा। इसके साथ साथ मुकामी सनतों और मादनी वसाइल की तरक्की की राह भी अंबार होगी। लिल्ला जेलम डुअल कैरेजवे का तामीराती फेज भी इलाके में मुआशी सरगर्मियों के फरोग और नौजवानों के लिए रोजगार के हजारों मौके पैदा करने का बायस बनेगी। लिल्ला जेलम डुअल कैरेजवे को इंशाअल्लाह 30 माह में पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। लिल्ला जेलम डुअल कैरेजवे, एक शाहरा कई मंजिलें। जबरदस्त किस्म की डॉक्यूमेंट्री थी और आपने देखा कि मौशी और जो सियाती पहलू हैं उससे इंशाअल्लाह उनकी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जेलम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मुतफरिक प्रोजेक्ट्स हैं और यकीनन इसका सेरा जेलम से मुंतखब रुकन असेंबली फवाद चौधरी साहब, जो वफाकी वज़ीर इत्तला'आत व नशरियात है, उनको जाता है। मैं आपकी भरपूर तालियों में गुजारिश करूंगा फवाद चौधरी साहब से कि तशरीफ लें और खिताब करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब, सदर कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और हमारे MNAs, MPAs और FWO और हमारे CNW के जो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। जो डिटेल्स हैं सारी वो तो डॉक्यूमेंट्री में आ ही गई हैं और इस इलाके में से फ़ायदा हमारा ये था कि सर, पहली बात तो ये है कि ये इलाका सारा ज़ाहिर है एक हमारा फौजी इलाका है। हमारे इलाके के कोई कब्रिस्तान नहीं है जहाँ पे कोई शहीद दफन नहीं है। हमारे कब्रिस्तानों से, हमारे इलाकों से शहीदों के लहू की खुशबू आती है। हमारे जो गांव हैं वहाँ पे गाजियों के इलाके हैं। ये तमाम जो इलाका है इसमें जिम्मेदार हैं, गाजी हैं, शहीद हैं। लेकिन इस इलाके की अगर किसी ने लाज रखी है तो वो जनाब वज़ीर आज़म आपने रखी है। इससे पहले जब आप जेलम तशरीफ लाए थे तो आपने वहाँ पे जिस नहर का इफ्तिताह किया, आपने उस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुँचाया। वो प्रोजेक्ट सबसे पहले 1906 में मलका बरतानिया ने डिप्टी कमिश्नर जेलम को ये ख़त लिखा और ये कहा कि हम यहाँ पे एक नहर बनाना चाहते हैं। तो 1906 के बाद जनाब वज़ीर आज़म 2020 में जाके आपने उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया, तो इससे आप अंदाज़ा लगा। और फिर ये था कि जब मैंने आपके सामने ये दरख्वास्त रखी तो हमें फ़ायदा ये था कि ये जेलम और पिंडादन खान को मैंने बाय फुट तो नहीं फिरा हुआ, मैं बाकायदा उसको उस तरह से कदम पैदल तो नहीं चला हुआ, लेकिन हमें ये फ़ायदा है कि वज़ीर आज़म साहब हमारे इलाके के चप्पे चप्पे को खुद जो है वो वहाँ पर गए हुए हैं और वहाँ के इलाके को जानते हैं। तो मेरे से ज़्यादा वज़ीर आज़म साहब जो है वो इस इलाके को जानते थे। अब सर, जिस तरह से हमने डॉक्यूमेंट्री में ये दिखाया है,
बुनियादी तौर के ऊपर तीन सड़कें हैं जो नॉर्थ पंजाब रोड नेटवर्क कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। आपने इससे पहले सरदार उस्मान बुज़ार साहब ने मेहरबानी की, हमारी कश्मीर की जो सड़क थी मंगला रोड, जिसे मंगला मीरपुर रोड कहेंगे या दीना मंगला रोड कहेंगे, वो रोड जो है वो डुअल कैरेज वे वो बन गई, वो मुकम्मल हो गई। अब हमने उस पर दरख्वास्त की है कि एक ब्रिज अगर हो जाए तो वो फिर पूरी एक रोड पूरा नेटवर्क बन जाता है। उसका सर फ़ायदा ये हो गया है कि कश्मीर से सदर साहब बैठे हैं, वज़ीर आज़म साहब बैठे हैं, जो सारी ट्रैफिक है उसको एक एक्सेस मिल गया है कि वो इस रोड पर आ सके। उसके बाद उसका दूसरा हिस्सा सर ये है कि जो जीटी रोड है, इससे हमने ये जेहलम लिल्ला रोड के जरिए जीटी रोड को हमने कनेक्ट कर दिया मोटरवे से। लिहाजा अब जो कश्मीर की ट्रैफिक है उसको लाहौर या रावलपिंडी नहीं जाना पड़ेगा, जो कराची जाना चाहते हैं, फैसलाबाद जाना चाहते हैं, मुल्तान जाना चाहते हैं, वो इस रोड से सीधा जाएंगे और उनको कई घंटे उनका सफ़र जो है वो आसान होगा। उसके साथ साथ अब तीसरा जो आज आपने मीटिंग भी सुबह की और जो बड़ा ही अहम प्रोजेक्ट है, वो सियालकोट मोटरवे को आप एक्सटेंड कर रहे हैं रावलपिंडी तक। उसके नतीजे में ये एक पूरा एक नया इलाका, इसका एक फ़ायदा ज़ाहिर है हमारे इलाकों को, चकवाल को, जेलम को, मीरपुर को, गुजरात को और जो बाकी इलाके हैं उनको तो होगा ही होगा। इसका फ़ायदा इस्लामाबाद को होगा, क्योंकि सर इस्लामाबाद में जिस तरह से आप बहुत ज़्यादा पहले भी इस पर एम्फेसिस कर चुके हैं कि कितनी तेज़ी से यहाँ पे ग्रीन एरियाज ख़त्म हो रहे हैं, कितनी तेज़ी से यहाँ पे लोगों का दबाव है, तो ये सड़कें बनने से, ये रोड नेटवर्क बनने से एक पूरा नया इलाका दस्तयाब हो जाएगा जिसमें डेवलपमेंट हो सकेगी। और इसके नतीजे में हमारे जो पूरा इलाका है वो इस्लामाबाद का एक पेरिफरी बन जाएगा, इस्लामाबाद का मुलाका इलाका बन जाएगा और इससे एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो मुस्तफीद होगी। मैं आपको ये भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपसे पहले, आपकी हुकूमत से पहले किसी ने नहीं सोचे, और मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहता हूं असद उमर साहब का, जिन्होंने आउट ऑफ वे जाके इस प्रोजेक्ट को जो है वो सपोर्ट किया। उसकी जो यहाँ पे वजह रही है कि हमने जो हमारे तमाम इलाके देखे हैं, पिछली जो मोटरवे भी बनी है आप देखिए कि उसमें भी इन्होंने ये किया कि फलाने की ज़मीन है तो उसको बेनिफिट बनाने के लिए इस तरह की ज़मीन दे दें, फिर आपके सामने जिस तरह से ज़मीनों के रेट्स को खेला गया जिनके साथ, यानी अगर रेट आज देखें कि 2021 में जो रेट ज़मीन जो सड़क बनाने का रेट है वो 2018 या 17 से आधा है, उसकी वजह ये थी कि जानबूझ के तमाम मनसूबे इस नीयत के साथ बनाए गए कि यहाँ से हमने कमीशन लेने हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो अरबों रुपए के यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, कोई माई का लाल उसमें करप्शन का साबित तो क्या करना, इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता, ये आपकी सबसे बड़ी कामयाबी। दूसरा जनाबे वज़ीर-ए-आज़म, इस मुल्क में इंडस्ट्री ख़त्म हो गई थी, आपने आके पाकिस्तान में पहली बार आपकी हुकूमत ने आके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया, इंडस्ट्री रिवाइव की, कंस्ट्रक्शन रिवाइव की, आपने टेक्सटाइल की पूरी जो हमारी इंडस्ट्री है जो बैठी हुई थी उसको खड़ा किया, तमाम इंडस्ट्रीज आज मुल्क में जो हैं वो चल रही हैं। ज़रात हो, जब हमारा सारा इलाका हमारा ज़रई इलाका है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से आज किसान को उसकी फसल की कीमत मिल रही है, इससे पहले कभी पाकिस्तान की तारीख में ये कीमत जो है वो नहीं मिली। लिहाजा ये जो सफ़र जिसका आगाज़ आपने किया है, जो इंशाल्लाह ताला तीन सालों में आपने जो 70 साल के यहाँ पे आप जो तबाही फैली थी आपने उसको तीन साल में उसको बेहतर करने के लिए, उसके ऊपर एक नई इमारत कायम करने के लिए आपने वो बुनियाद डाली है, और आज पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आज एक ही लीडर है जो कराची से लेके खैबर तक और गवादर से लेके लाहौर तक जिसके नाम के ऊपर वोट मिलता है, और वो इमरान खान। आज ये वाहिद वफाकी जमात है पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो पाकिस्तान की बात करती है, कोई यहाँ पे फिरका वारियत के ऊपर मबनी सियासत नहीं करती, कोई सूबे के ऊपर मबनी सियासत नहीं करती, किसी नस्ल के ऊपर मबनी सियासत नहीं करती, और उसकी वाहिद वजह ये है कि हमारा लीडर एक नेशनल लीडर है, हमारी जमात एक नेशनल जमात है। और इसीलिए आज ये जो सफ़र शुरू किया है हमने, इसमें
मुझे पूरी उम्मीद है कि जब यह मुकम्मल हो जाएगा, और यह मुकम्मल भी जाहिर है कि लंबी इसमें मुद्दत नहीं है, 3 सालों में इसने मुकम्मल होना है, और 3 से 5 साल में आप देखेंगे कि ये जो सारे इलाके हैं और खसूसन हमारा जो झेलम है उसकी वो बिल्कुल उसकी एक इकॉनमी तब्दील हो जाएगी, सियाहत तब्दील हो जाएगी, सफ़र तब्दील हो जाएगा। और जनाब वज़ीर आज़म आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए, और चीफ मिनिस्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने बहुत अच्छा कहा कि और सबसे अहम नुकता यही होता है जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जोर देते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सड़कें पहले भी बनती थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के दौर में 3 गुना ज़्यादा सड़कें बनी हैं नून लीग के दौर से अगर मुवाजना किया जाए, लेकिन सस्ती भी हैं और ट्रांसपेरेंसी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब आप तशरीफ़ लाएँ। पंजाब आपकी सरबराही में तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है, अपने ख्याल का इजहार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले झेलम और मंडी भाउद्दीन और इसके गिर्दो नवाह में के बसने वाले जो लोग हैं जो इस रोड से मुस्तफीद होंगे, मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। झेलम साल्ट रेंज अपनी सियाहत और जोग्राफी अहमियत के लिहाज से इंतहाई अहमियत की हामिल है, और आज हम जिस रोड का इफ्तिताह कर रहे हैं लीला झेलम रोड, ये 128 किलोमीटर लंबी रोड होगी और 14 अरब 64 करोड़ रुपए इसकी लागत है, और ये मेरे ख्याल में ये पहला रोड होगा कि जो मोटरवे को जीटी रोड से कनेक्ट करेगा, और इसके साथ जो खुशाब, सरगोधा, मंडी भाउद्दीन और चकवाल के जो इलाके हैं, जो डिस्ट्रिक्स हैं, वो इससे मुस्तफीद होंगे। इससे मुकामी लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और उनकी आमदोरफ्त की सहूलतें भी मैसर होंगी, और एक माशी तरक्की का नया दौर इंशाल्लाह शुरू होगा। इसके अलावा जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पिछले साल जलालपुर कैनाल का इफ्तिताह किया था, जो कि 33 अरब रुपए की लागत से झेलम के अंदर बन रही है, जिससे झेलम और खुशाब के जो इलाके हैं वो इससे तकरीबन 2.25 लाख एकड़ ज़मीन सैराब होगी, और ये मेरे ख्याल में 1965 के बाद पंजाब इरीगेशन का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि हम करने के लिए जा रहे हैं, और इस पर तेज़ी से काम जारी है। इंशाल्लाह 2024 और 25 तक ये प्रोजेक्ट भी मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत झेलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर 103 मंसूबों पर काम जारी है, जिनकी लागत 11 अरब 23 करोड़ रुपये बनती है। इसके बाद मैं वज़ीर आज़म साहब का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा कि इस दफ़ा PSDB के अंदर उन्होंने जो पंजाब को शेयर दिया पहली दफ़ा, कि वहाँ पे हम 13 जो रोड्स हैं वो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनमें से एक रोड ये भी है, और इनकी लागत 82 अरब रुपए बनती है। और आपको इस बात की खुशी होगी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और पंजाब हुकूमत आपस में उनके तावन के साथ हुकूमत 4 आर्टिलियर रोड भी स्टार्ट करने जा रही है, जिनकी जो लेंथ है 506 किलोमीटर है और उनकी लागत 130 अरब रुपए है। वो इंशाल्लाह जनवरी के बाद इंशाल्लाह मैच्योर हो जाएंगी और उन पर काम स्टार्ट हो जाएगा। उसमें से एक रोड है जो कि चीचावतनी पीर महल चौक आज़म लैया से इंडस हाईवे को टच करेगी, जो कि तौसा शरीफ और डेरा इस्माइल खान के लोगों को उसको फ़ायदा होएगा। इसके अलावा 107 किलोमीटर है झंग शोरकोट रोड, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह काम होगा, और हासिलपुर और भावल नगर 75 किलोमीटर और दीवालपुर पाक पतन विहाड़ी 150 किलोमीटर, ये 4 रोड एशियन डेवलपमेंट बैंक के तावन से इंशाल्लाह चंद महीनों के अंदर मैच्योर होंगे और इंशाल्लाह इन पे काम स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो पंजाब हुकूमत की रूरल एसेसिबिलिटी प्रोग्राम के तहत 1267 किलोमीटर रोड हम मुकम्मल कर चुके हैं, इंशाल्लाह 1076 किलोमीटर चंद महीनों के अंदर अभी इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। और जो हमारी सालाना तरक्याती प्रोग्राम है ADP के अंदर, हमारी कुल 1785 स्कीमें हैं रोड्स की, और उनकी कुल लागत 369 अरब रुपए बनती है। मेरे ख्याल में ये पहला मौका है कि जिस रोड नेटवर्क की तरफ हुकूमत ने खसूसी तौर पर तवज्जो दी, क्योंकि पिछले अरसे के अंदर रोड की मेंटेनेंस और रिपेयर नहीं की गई, जिसकी वजह से तकरीबन 1 लाख किलोमीटर का जो नेटवर्क है पंजाब हुकूमत का, तो वो तकरीबन अपना ख़त्म हो गया था, उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस के बहुत सारे मसाइल थे।
मेरे ख्याल में इन मंसूबों के आने से इंशाल्लाह इन रोड्स की स्ट्रक्चर और उनकी हालत काफ़ी बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम 13 मंसूबे करने जा रहे हैं, जिसमें शेखुपुरा गुजरांवाला रोड के ऊपर तेज़ी से काम जा रही है। इंशाल्लाह मुल्तान विहाड़ी और उसके बाद चिन्योट सरगोधा फैसलाबाद, इस रोड के ऊपर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द चंद महीनों के अंदर ये काम इंशाल्लाह इसके ऊपर स्टार्ट हो जाएगा। तो उन इलाकों में जहाँ ये रोड्स बन रहे हैं, ये नेटवर्क बन रहा है, तो इंशाल्लाह बहुत उनको सहूलत होगी। और पंजाब हुकूमत को ये भी एजाज़ हासिल है कि इस दफ़ा की हमने जितनी एलोकेशंस की हैं और जितनी स्कीमें आइडेंटिफाई की हैं और जितनी स्पीड के साथ हमने उनके ऊपर काम स्टार्ट कराया, मेरे ख्याल में पंजाब की हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा हो रहा है कि इतनी स्पीड के साथ एलोकेशंस और एग्जीक्यूशंस हो रही हैं। ये एजाज़ हुकूमत को पंजाब को जाती है। और इन तमाम स्कीमों की मॉनिटरिंग के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन जितनी भी हमारी ADP चल रही है उसके लिए भी पंजाब काबीना ने मंजूर की है। इंशाल्लाह इन तमाम स्कीमों की मुकम्मल मॉनिटरिंग भी होगी और अपने टाइम पे मुकम्मल भी होंगे। जब ये मुकम्मल होंगे, सबसे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत रोड नेटवर्क की होती है, और मेरे ख्याल में इस दफ़ा बहुत अच्छा हम पैकेज दे रहे हैं रोड सेक्टर में, ताकि पूरे पंजाब की कनेक्टिविटी हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हासिल हो। इंशाल्लाह जनाब वज़ीर आज़म साहब आपकी सरबराही में यह तरक्की का सफ़र हमारा जारी रहेगा और इंशाल्लाह पंजाब और पाकिस्तान आगे बढ़ता रहेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर और पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सरदार उस्मान गुजार साहब, आपने बहुत अच्छे अंदाज में जो पंजाब में तरक्याती काम और उसका अहाता किया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आपकी सरबराही में विफाक और सूबे रोड्स का नेटवर्क का इजरा कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का अफ्तिताह हो रहा है। अब मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तला व नशरियात सरदार उस्मान बुज़दार साहब और लिल्ला जेलम ड्यूल कैरिज का अफ्तिताह करें। आप सबसे गुजारिश है कि आप अपनी नशस्तों पर तशरीफ़ रखें। नाज़रीन वज़ीर आज़म साहब इफ्तिताह कर रहे हैं लिल्ला जेलम ड्यूल कैरिज वे का। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन। मैं वैसे अभी ये देख रहा था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने ये इनॉग्रेशन किया, हाथ रख के टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, तो मैं हैरान हूँ कि ये जो अपोजिशन सारी ये टेक्नोलॉजी का क्यों नहीं वोटिंग के ऊपर इस्तेमाल कर रुके हुए हैं, कि सारी दुनिया के अंदर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आ गया है वोटिंग के ऊपर, ताकि बेहतर तरीके से साफ और शफाफ हो। लेकिन ये मुझे हैरत है कि हमारी ऑपोजिशन को पता नहीं उस पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, मशीन से डरे हुए हैं पता नहीं किस चीज़ से। मैं जी सबसे पहले अपने पंजाब के चीफ मिनिस्टर आपको आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, और फौज चौधरी आपको इसलिए कि जिस जुनून से आपने जेलम की जंग लड़ी है और अपनी सारी टीम को, अपनी प्लानिंग मिनिस्टर को असद उमर को, कि जिस तरह हमने कोशिश की बुरे हालात के अंदर, बुरे हालात आप सब जानते हैं, खैर ये तो कोई अच्छा, आजकल टेक्नोलॉजी और भी ऐसी हो गई है कि आप झूठ ही नहीं बोल सकते। कोई भी आके वजीर, वजीर आज़म, वजीर आला कोई गलत चीज़ कहे, वो दो मिनट में आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर वो चेक करें और वो गूगल करके आप पता चलवा सकते हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो इसलिए ये वो दौर है जब
लोगों को बड़े आराम से पता चल जाएगा कि किसने क्या काम किया। हुकूमत जब आई तो क्या हालात थे वो आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर पता चलवाएं कि क्या पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा था, आपका मोबाइल फोन बता देगा कि था। क्या बैरूनी खसारा सबसे बड़ा था, वो कहेगा था। क्या सबसे ज्यादा कर्ज की किस्तें वापस करनी थी इस किसी हुकूमत को इस हुकूमत से ज्यादा किसी ने की है, वो कहेगा नहीं, ये सबसे ज्यादा उस हुकूमत ने मुल्क को संभाला जब सबसे बुरे हालात थे। उसके बावजूद हमारी कोशिश ये थी कि जैसे जैसे हम थोड़ा सा संभलें तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि कैसे हमने अपने मुल्क में लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट करनी है। देखें मुल्क आगे कैसे बढ़ते हैं, जब वो आगे अपनी आने वाली नस्लों का सोचते हैं, वो आने वाली इलेक्शन का नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं कि हमने हमारे बच्चे हैं 60% पाकिस्तानी इस वक्त 25 साल की उम्र से कम है, इनके लिए हमने क्या करना है। और ये जो चाइना आप देख रहे हैं दुनिया की देखते देखते 30 सालों में कहां से कहां पहुंच गया, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो चाइना की लीडरशिप थी उन्होंने दूर का सोचा। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि कैसे हमने अपने लोगों को गुर्बत से निकालना है, और फिर उन्होंने सोचा वो कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना को आगे लेके जाएंगे। तो जब तक आपके अंदर ये सोच नहीं होती कौम आगे नहीं बढ़ सकती। कौम अगर सिर्फ इलेक्शन का ही सोचे कि अच्छा जी मैंने इलेक्शन जीतना है अब से लेके तो मैं ये मेट्रो बना दूं ताकि वो 5 साल पहले फिर मैं अरबों रुपया उस पर खर्च करके तो मैं इलेक्शन जीत जाऊं, कौम आगे नहीं बढ़ती ऐसे। तो मुझे जो फख्र है जिस चीज पे कि हमारी हुकूमत ने अपनी आने वाली नस्लों का सोचा बनिस्बत के अगले इलेक्शन का सोचने का। और तो जब आप आगे का सोचते हैं तो सबसे पहला चीज आप क्या सोचेंगे कि पाकिस्तान को पानी की जरूरत है। हमारी आबादी जितनी बढ़ती जा रही है हमारे पास जमीन भी है लेकिन हमारे पास पानी की आगे कमी आने वाली है। हमारी जो अनाज की जरूरियात हैं वो इतनी तेजी से बढ़ रही हैं सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान जब बना था जो हमारा अब जो पाकिस्तान है वेस्ट पाकिस्तान तब था उसकी सारी आबादी 4 करोड़ से भी कम थी। आज पाकिस्तान की आबादी पहुंच गई है 22 करोड़ पे। तो इतने ज्यादा लोगों के लिए हमने अनाज पैदा करना है, इसके लिए हमें और जमीन चाहिए। जमीन हमारे पास है लेकिन हमारे पास पानी की कमी है। तो उसके लिए पहली दफा 50 साल में पहली दफा 3 बड़ी डैम्स बन रही हैं और इंशाल्लाह अगले 10 साल में 10 डैम्स बन रही हैं। 10 डैम्स ये पहली दफा इस मुल्क की तारीख में आगे का किसी ने सोचा, क्योंकि ये डैम्स 40-40 साल पहले से प्लानिंग इनकी हुई हुई थी। जिस तरह भी फवाद ने कहा कि ये जो नहर बनी है ये 1906 में सोचा था नहर बनाने का, तो ये क्यों नहीं सोचा गया कि ये हमारे लिए पानी इतना बड़ा जरूरी है, हमारे आने वाली नस्लों के लिए, हमारे इलाके पड़े हुए हैं, तो कभी सोचा नहीं इसलिए कि सिर्फ अगले इलेक्शन का सोचा। इसलिए मुझे फख्र है अपनी टीम पे, अपनी प्लानिंग पे कि हम आगे का सोच रहे हैं। किसी ने सोचा था पाकिस्तान में दरख्त उगाने का? हमने जब शुरू किया 2013 में दरख्त उगाने के लिए मजाक उड़ाया गया हमारा। किसी ने यहां तो दरख्त कटे हैं, जंगलात खत्म कर दिए हमारे। हम बचपन में मैंने अपनी आंखों से ये छांगा मांगा, ये चूनिया, ये कुंदिया का जंगल, चीचावती, ये बड़े बड़े जंगल होते थे, ये अंग्रेज बना के छोड़ के गए थे। हमने वो जंगलों को भी तबाह करके रख दिया। हमने कोई नए जंगल ही नहीं बनाए, हमने नेशनल पार्क्स नहीं बनाई, हमने जो मौजूदा। और यही नहीं सोचा कि जब आप अब लाहौर है, मैं लाहौर में बड़ा हुआ हूं, पैदा लाहौर में, बड़ा लाहौर में, लाहौर की लाहौर तो सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता था। लाहौर की आबो हवा जबरदस्त, नलके का पानी, मीठा पानी पीते थे सब। किसी ने सोचा नहीं पिछले 20 साल में जो इन्होंने दरख्त काटे हैं लाहौर में, अब जरा देखें लाहौर के लोगों का क्या हाल हुआ है, आलूदगी किधर आसमानों पर पहुंच। किसी ने सोचा ही नहीं कि दरख्त भी लगाने हैं। तो ये पहली हुकूमत है
जिसने अब तक 2.5 अरब दरख्त लगा चुके हैं, 2.5 अरब। और अगला और इंशाल्लाह हमारा टारगेट है 10 अरब का। अच्छा, आप ये सोचें कि पाकिस्तान की दुनिया ने तारीफ किन चीजों पे की है। देखें, हम अपनी तो तारीफ करते रहते हैं, पिछली हुकूमतों ने अरबों रुपया हर रोज खर्च करते थे इश्तिहारों पे और मीडिया पे अपनी तारीफें करने के लिए, लेकिन दुनिया ने नहीं तारीफ की। ये वो मुल्क जब अब ये हुकूमत है, बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में तकरीर कर रहा है और पाकिस्तान की मिसाल दे रहा है कि पाकिस्तान ने कितना जबरदस्त क्लाइमेट चेंज के लिए काम किया। फिर 100 साल में एक दफा इतना बड़ा दुनिया में बुरान आया जो कि कोरोना की वजह से आया। इस 100 साल में, ये दुनिया में 100 साल के बाद इतना बड़ा क्राइसिस आया, बुरान आया। इकोनॉमिस्ट मैगजीन, जो दुनिया की मानी हुई मैगजीन है, जो सारी दुनिया की तज्जिया करती है उनके हालात का, उनकी माईशत का, वो कहती है कि जो मुल्क सबसे बेहतरीन, नंबर वन मुल्क जिसने सबसे बेहतर कोरोना को हैंडल किया, अपने लोगों को भी बचाया उससे, हमारे अस्पतालों के अंदर भी तबाही नहीं मची जिस तरह साथ वाले मुल्कों में हुआ, और अपनी माईशत भी बचा ली, वो नंबर वन पे पाकिस्तान था। तो ये हम तो नहीं कह रहे। फिर जनाब हमारे दूसरे जो मुखालिफ हैं, वो बहुत ही लोग, गुर्बत बढ़ गई, तबाही हो गई। इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में महंगाई का सैलाब आया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? वो कहता है पाकिस्तान के अंदर हमारे दौर में गुर्बत कम हुई है। ये वर्ल्ड बैंक ने अपनी असेसमेंट की, हम नहीं कह रहे। कहने का मतलब यह है कि मुश्किल वक्त है, लेकिन इंशाल्लाह आपको यह पूरा एतमाद होना चाहिए कि यह जो आपकी हुकूमत है, जिस तरह कोरोना से अब तक आपको बचाया है, जिस मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले किए, जिस तरह हमने एक इदारा बनाया NCOC और सारे मुल्क को इकट्ठा करके फैसले किए, और जिस तरह आज हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हम दुनिया में वो मुल्क हैं जो 100 साल में एक इतना बड़ा बुरान आता है जो हम सबसे बेहतर निकले, इंशाल्लाह आगे भी अपने मुल्क को ये जो महंगाई का सैलाब, ये बाहर से आ रहा है, तेल की कीमतें दुगनी हो गई हैं 3 महीने में, खदशा ये है कि वो और भी बढ़ेगा। बाहर से जो चीज़ें हम लेते हैं सब महंगी हो गई, जो फ्रेट है यानी जो बाहर से चीज़ें किश्तियों पे पाकिस्तान में आती हैं, वो उसकी कीमत कुछ 6 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। ये सिर्फ सर्दियों तक है, क्योंकि हुआ क्या कोरोना में, जब सारा दुनिया के अंदर लॉकडाउन लगाए गए, लॉकडाउन की वजह से यानी जब आपने इकॉनमी बंद कर दी, तो वो सप्लाई का मतलब तजारत के अंदर इफेक्ट हो गया, और उससे सारी दुनिया के अंदर मसले पने, चीज़ें गायब हो गई, खाने पीने की चीज़ें सब महंगी हो गई। तो ये कभी कभी इस तरह बुरहान आता है। आप इंशाल्लाह, मुझे पता है लोगों को मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह हम निकालेंगे, और एक आने वाले दिनों में इतना बड़ा हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद ये होगा कि हमारे आम आदमियों की जो मुश्किलें पड़ी हुई हैं उनकी हम मुश्किलें आसान करें। एक बड़ा पैकेज लेके आ रहे हैं, वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आएगा। अब मैं आता हूँ इस पर, ये जो लीला जेलम, ये जो सड़क है, क्योंकि मैं ये सारा इलाका जानता हूँ और बचपन से जानता हूँ ये सारा इलाका, तो मैं हमेशा समझता था कि यहाँ सिर्फ अगर हम ये कनेक्ट कर दें इस तरफ, इसका ये जो आपको दिखा रहे हैं, ये एक तो बड़ा खूबसूरत इलाका है, लिहाजा टूरिज्म के लिए बहुत आगे जा के फ़ायदा होगा यहाँ। और ये सिर्फ टूरिज़म के लिए, ये नहीं कि खूबसूरत इलाका है, यहाँ सबसे पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। मतलब ये कि पुरानी, एक मैं खुद ही यहाँ एक दफ़ा शिकार कर रहा था, तो एक तुलेजा जगह है,
वहाँ जाके किसी ने मुझे कहा जी वो ऊपर चकोर होते हैं, तो वह ऊपर एक पहाड़ी थी, ऊपर से बिल्कुल फ्लैट थी और एक ऐसे पत्थर चारों तरफ क्या कह रहा हूँ क्लिफ्स थे, दीवार यानी दीवार की तरह थी, तो वो एक ही सड़क थी ऊपर जाने के लिए। तो जब ऊपर गया तो वहाँ एक पुराना कोई शहर देखा। मैंने बड़े लोगों से पूछा कि किसी को पता है वो शहर का? तो जब बड़ी देर के बाद फिर एक आर्कियोलॉजिस्ट को भेजा, एक PhD है हमारा KP में, उसने कहा ये 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना शहर है। तो हम किसी को इस तरह की सारा ये जो सॉल्ट रेंज है इसमें सारी पुरानी पुरानी जगह, अल बरूनी जो जिसने दुनिया का बहुत बड़ा मुसलमान साइंटिस्ट था, उसने आके यहाँ नंदना फोर्ट के ऊपर बताया था कि दुनिया का ये जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या है। यानी ये ऐसी जगह हैं, तो एक तो इससे वो फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा इसमें, और यह सारा इलाका ऐसा, या मदनियात बढ़ी हैं, ये इंशाल्लाह वहाँ इंडस्ट्री भी होगी बढ़ेगी, तो इस सड़क के आगे बड़े फ़ायदे हैं। लेकिन मैं जो आज ख़ास आप सबके सामने चीज़ रखना चाहता हूँ वो ये कि हमें बताया गया कि जनाब बड़े हमारे दौर से पहले सड़कें बनी, वो जो वो पिछले जो आजकल लंदन में बैठे हुए हैं और वहाँ से कहते हैं बार बार दुख हजार करते हैं कि देखें पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं, तो वो अपने आप को शेर शाह सूरी भी कहते थे सड़कों बनाने पे। तो ये आज ज़रा देखें कि, और ये मैं इसे पंजाब को भी दाद देता हूँ और अपने NHA को भी दाद देता हूँ, नून लीग के 3 सालों में 645 किलोमीटर सड़क बनाई गई, तहरीक इंसाफ के 3 सालों में 1750 किलोमीटर सड़क बनाई गई, और जो अभी तक 5 साल में टेंडर हो चुके हैं नून लीग के, जो टेंडर हुए थे वो 2317 किलोमीटर थी, हमारे अब तक जो 3.5 साल में टेंडर हो चुके हैं वो है 3238 किलोमीटर। लेकिन ये कहानी नहीं है, इससे ज़्यादा जो मैं आपको कहानी बनाना चाहता हूँ वो ये है, और ये आपको पता चलेगा कि फ़र्क क्या है एक हुकूमत जब ऊपर हुक्मरान करप्ट होते हैं और एक हुकूमत जो करप्ट नहीं है, वो अवाम को उसका क्या फ़ायदा है। कई दफ़ा लोग कहते हैं जी करप्शन का, अच्छा जी करप्शन लगाई हुई है हमें, इससे क्या, हमें तो जी ये चाहिए, रोटी चाहिए वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें करते हैं। देखें आप आज सारे जेलम से आए हुए, मेरी एक बात याद रख लेना, कभी वो मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता जिसके हुक्मरान और जिसके वजीर करप्शन करते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कभी वो मुल्क जिसमें कानून की बालादस्ती हो, जिधर हुक्मरान करप्शन ना कर सकें, जिधर कानून और इदारे इतने मजबूत हों, उधर कभी गुर्बत नहीं होती। गुर्बत उन मुल्कों में होती है जिधर हुक्मरान पैसा चोरी करना शुरू करते हैं। अब ये जो अब सड़कों की मैं जो आपको बताने लगा हूं, ये जरा देखें, आज है 2021, 2013 में और 2021 में आप खुद ही सोच लें कि कितनी महंगाई आई है। 2013 में 21 में हर चीज महंगी हो गई है, हर चीज महंगी हुई है। अब ये सोचें कि 2013 में, और ये वेबसाइट पे है, जिस तरह मैं कहा ना अब आप झूठ नहीं बोल सकते, ये वेबसाइट के ऊपर ये अब रेट्स हैं और ये आप कोई भी चेक कर सकता है। तो 2013 में जो, और अपने दौर में ये जो नून लीग ने सड़कें बनाई, जो 2 लेन की सड़क थी, 2 लेन की सड़क, मैं इनके फर्क 4 किस्म की सड़कें बनी हैं, एक है 2 लेन की सड़कें उसमें, और जो आजकल के महंगाई के बावजूद जो आज रेट दिए जा रहे हैं 2013 में और 2021 में, उसमें 33.37% का फर्क है। हमारी ज्यादा सस्ती सड़कें बन रही हैं महंगाई के बावजूद, 2 लेन में फर्क 33.3%, यानी फर्क है सड़कों में,
यानी सस्ती सड़क बन रही है। नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो चार लेन की कंस्ट्रक्शन है, उसमें कितना फर्क है हमारी उन्होंने जिस रेट पर सड़कें बनाई और आज कितनी बनी, 53% कम पर आज सड़क बन रही है। वो क्यों? क्योंकि ई टेंडरिंग होती है, इसमें दो नंबरी नहीं हो सकती। उसके बाद फिर जो मोटरवे के जो चार लेन के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें, और आज 19.6% सस्ती बन रही हैं आज। तो मैं सिर्फ आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ये खुद सोच लें क्यों हमने ज्यादा सड़कें बनाई हैं, क्योंकि हमने पैसा बच गया। और अगर उनका और आज का कंपेयर करें कि हमने कितना पैसा, अगर हम उस रेट पे सड़क बनाते हैं तो मजीद हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ना था, 1,000 अरब रुपया। सो इन्होंने 1,000 अरब रुपया एक्स्ट्रा खर्च किया उन्हीं सड़कों पे, और ये है फर्क। 1,000 अरब रुपया आप खुद सोच लें कि उससे आप क्या क्या बना सकते हैं, आप तब्दील कर सकते हैं, आप सारे इलाके बदल सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज क्या क्या आप नहीं कर सकते। तो हमने अगर आगे ज्यादा सड़कें बनाई हैं उसकी वजह यह है कि हमारी सड़कें आज इस महंगाई के बावजूद ज्यादा सस्ती हैं, और हमने एक, अगर उनके और आज में फर्क 1,000 अरब रुपया है, और ये किसी ने चेक करना है ये वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो ये किसके जेब में गया पैसा, ये किन लोगों की जेबों में गया? और ये सिर्फ मैं सड़कों की बात कर रहा हूं, और मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा कि पावर प्रोजेक्ट्स में कितना पैसा और कितना लगना था और कितना इन्होंने ऊपर उसका कितना बनाया। ये जो बड़े बड़े लंदन के अंदर बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, ये सारा यहां से पैसा गया हुआ है। जो आज तक ये नहीं बता सकते कि जो 4 अरबों रुपए की आपने फ्लैट्स लिए हुए लंदन में, वो किधर से पैसा आया है? आज तक एक डॉक्यूमेंट नहीं दे सके कि पैसा किधर से आया, क्योंकि यहां से गया चोरी का पैसा। और मैं इसलिए आज अपनी हुकूमत को, उस्मान बुज़दार आपकी, पंजाब की गवर्नमेंट को मैं खास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूं, और इंशाल्लाह 5 साल के बाद जो आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों चाहते हैं कि जल्दी, जिस दिन से हम आए हैं कहते जी गवर्नमेंट को गिरा दो, आज गई तो कल गई परसों गई, वो क्यों चाहते हैं ये? क्योंकि उनको पता है कि 5 साल के बाद इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, इनको खतरा है कि इनकी सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी। शुक्रिया।